नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई, जिस दिन का हम पिछले 1.5-2 सालों से वेट कर रहे हैं वो बस आने ही वाला है। 27 जून को लॉन्च होने जा रही है अपनी बेहतरीन एसयूवी महिंद्रा स्कॉर्पियो वैन। हालांकि लॉन्चिंग से पहले इसकी लगभग सारी चीजें सामने आ चुकी हैं, जैसे लुक, डिजाइन, फीचर्स और डायमेंशंस वगैरह। डायमेंशंस यहां सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। एक एसयूवी जितनी बड़ी और चौड़ी होती है उतनी ही ज्यादा देखने में ये बेहतरीन लगती है, और इस गाड़ी को भी बिल्कुल वैसे ही बेहतरीन बनाया गया है। पिछले वाले स्कॉर्पियो के कंपैरिजन में स्कॉर्पियो एन हाइट को छोड़कर हर मामले में बड़ी है। इसके अलावा बात करें इंटीरियर की, तो महिंद्रा ने रिसेंटली इसको भी दिखा दिया है, जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और प्रीमियम फील दे रहा है। इसके अलावा ये अपने सेगमेंट और प्राइस रेंज में सबसे ज़्यादा स्पेशियस 7 सीटर भी है। खैर, रिसेंटली इसकी कुछ और फोटोज सामने आई हैं जिसमें यह डीलरशिप पर खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है। शायद स्टाफ ट्रेनिंग वगैरह के लिए इसको लाया गया है। ये फोटोज बिल्कुल रियल वाली हैं, फोन से खींची हुई, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन गाड़ी इसमें भी बिल्कुल गजब लग रही है। हालांकि पीछे टेल लाइट वाला डिजाइन थोड़ा कम समझ में आ रहा है, मतलब फोटोज काफी पास से हैं इसलिए पता नहीं चल पा रहा है कि एग्जैक्टली पीछे से ये दिखेगी कैसे। उम्मीद है सड़क पर उतरने के बाद सब कुछ अच्छा ही रहेगा। आप क्या सोचते हैं इसके ओवरऑल डिजाइन के बारे में, कॉमेंट करके जरूर बताएं।